डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे 4 मार्क्स का भी सवाल आ सकता है, जिसपे 7 मार्क्स का भी आ सकता है, जिसपे 14 मार्क्स का भी आ सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं सर, ये मुगल एम्पायर था क्या। अच्छा, मुगल एम्पायर का जो टॉपिक है उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसका डाउनफॉल है। पेपर के अंदर सिर्फ डाउनफॉल आएगा। बहुत सारे टीचर्स मुगल एम्पायर के अंदर मुगल एम्पीरियर्स बताते हैं कि आपने ये एम्पीरियर याद कर लो, ये एम्पीरियर याद कर लो। नहीं याद करने, सिर्फ आपने अकबर को याद करना है, सिर्फ आपने औरंगजेब को याद करना है, बस। बाकी आपने किसी को याद नहीं करना। बादशाह जफर को अगर आपने याद कर लिया तो कर लिया, बाकी आपने ये जो है सारे ये खुर्रम शाह ये सारे फालतू चीजें याद नहीं करनी, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहले आपके पास देखें डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर ये है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। सवाल क्यों हुआ, कोई वजह होगी तो हुआ होगा। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देंगे, सही है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सिर्फ 14 मार्क्स में यूज होता है, 7 मार्क्स में आपने डायरेक्टली 3 रीजंस एक्सप्लेन करने होते हैं, सही है। तो इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे, मुगल एम्पायर क्या है। मुगल एम्पायर वॉज एन एम्पायर विच वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम्स। एक ऐसा एम्पायर है जो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे थे, मुगल्स रूल कर रहे थे। आप ये बताएंगे कि जो मुगल डायनेस्टी थी, जो मुगल का रूल था, वो कब स्टार्ट हुआ। वो 1526 के अंदर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1526 के अंदर। आप ये बताएंगे कि एक मुगल एम्पीरियर थे जिसका नाम था औरंगजेब, सही है। औरंगजेब वॉज द वन हु स्ट्रेंथन द मुगल एम्पायर एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन। सर क्या मतलब, मतलब ये कि यही वो बंदा था जिसने मुगल एम्पायर को स्ट्रांग बनाया, लेकिन यही वो बंदा था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन भी हुआ। आप ये बताएंगे कि 1707 में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पीरियर औरंगजेब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टुक 150 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब टू डिक्लाइन। 1707 में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। 150 ईयर्स अगर मैं प्लस कर दूं, 1707 प्लस 150, अगर मैथ्स आती है तो ये बनते हैं 1857। 1857 में मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। सर क्यों हुआ, इस साल हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसके अंदर ब्रिटिश ऑफिशियली रूलर्स बन गए थे। तो आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ समझाना है कि मुगल एम्पायर वॉज एन एम्पायर विच वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम्स। मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड इन 1526 एंड देयर वाज अ की पर्सन औरंगजेब हु स्ट्रेंथन्ड द मुगल एम्पायर बट ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इन 1707 औरंगजेब डाइड एंड द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। इट टुक 150 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब टू डिक्लाइन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइन। इन 1857 मुगल एम्पायर डिक्लाइंड कंप्लीटली। ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया कि आपको पता होना चाहिए सर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या है। ये सिर्फ कहाँ पर यूज होगा, सिर्फ ये 14 मार्क्स वाले आंसर के अंदर यूज होगा। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन क्या। तो मुझे जल्दी जल्दी से बता दें वाई लिखकर कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो वापसी पूछे, वापसी समझाऊंगा। मुश्किल बेटा, आपका जवाब नहीं आया। ओके बेटा, कोई मसला नहीं। सबसे पहले देखिए आपने क्या बताना है कि मुगल एम्पायर कौन सा एम्पायर है। मुगल एम्पायर एक एम्पायर है विच वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम्स। मुसलमान उसको रूल कर रहे थे, मुगल्स रूल कर रहे थे। आपने ये बात बतानी है कि 1526 के अंदर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, मतलब मुगल एम्पायर स्टार्ट होती है। मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिसका नाम था औरंगजेब। ही वॉज वन ऑफ द मुगल एम्पीरियर। मुगल एम्पीरियर का मतलब है मुगल एम्पायर का रूलर था। ये बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहा था और इसने मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा। बट इसके कुछ गलत फैसलों की वजह से, जो कि हम लेटर पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर के अंदर इसने कुछ गलत फैसले करे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, सही है। 1707 में जब इसकी डेथ हो जाती है तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, मुगल एम्पायर तबाह बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। 150 ईयर्स के बाद, 150 ईयर्स के बाद मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया, कंप्लीटली डिक्लाइन, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है जिसके अंदर मुगल्स और ब्रिटिश लड़ते हैं और ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो हम लोग कंप्लीटली डिक्लाइन हो गए।
ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वापसी पूछ लें, समझ आ गया तो जल्दी से बता दें। ओके बेटा, अब हमारे पास है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के रीजन। पहला रीजन है वास्ट एम्पायर एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने ये रीजन बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पहला रीजन ये है कि आपके पास मुगल एम्पायर वॉज एक्सपेंडिंग अलॉट। मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था, फ्रॉम अफगानिस्तान टू असम एंड फ्रॉम कश्मीर टू मैसूर, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया। अब आपने ये समझना है कि पाकिस्तान, जब आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी क्लास में मैप्स कराए थे, तो पाकिस्तान की लेफ्ट साइड पर अफगानिस्तान है और असम ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, मतलब इतना ह्यूज था। फ्रॉम कश्मीर टू मैसूर, कश्मीर ऊपर की तरफ है मैसूर, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ हुआ था। जब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ हुआ था तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही। सर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो रही? क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल। क्यों सर? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मसला था। उस जमाने के अंदर प्रॉपर एयरलाइंस नहीं होती थी, उस जमाने के अंदर जो है वो प्रॉपर रोड्स नहीं होते थे, उस जमाने के अंदर प्रॉपर कार्स नहीं होती थी जिसके अंदर वो ट्रेवल कर सके, तो उनको ट्रेवलिंग के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो सकती थी क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वही रोड्स अच्छे नहीं थे और ये सारी चीजें, एंड टेली कम्युनिकेशन में मसला था। उस जमाने के अंदर जूम मीटिंग नहीं थी कि कोई बच्चा यूके से पढ़ रहा है, कोई बच्चा सऊदीया से पढ़ रहा है, कोई बच्चा ओमान से पढ़ रहा है, तो आपके पास क्या है कि उस जमाने के अंदर जूम नहीं था, या फिर उस जमाने के अंदर स्नैपचैट नहीं था कि हाँ स्नैप भेज दी कि हाँ यहाँ पे यह मसला है। उस जमाने के अंदर जो है वो इंस्टाग्राम नहीं था कि हाँ स्टोरी डाल दी कि भाई यहाँ पर यह मसला हो गया। उस जमाने के अंदर सोशल मीडिया नहीं था, तो आपके पास क्या हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग में भी मसला था, एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट करने में भी मसला था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मुगल एम्पीरियर टू एडमिनिस्टर। मुगल एम्पीरियर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो उसको एडमिनिस्टर कर सके, इतने बड़े एम्पायर को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सका एंड मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया? मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। तो मुझे जल्दी जल्दी से ये बताएं कि आपको ये रीजन समझ आया या नहीं आया। अगर आ गया तो जल्दी जल्दी बता दें। इसके बाद आपके पास है सक्सेशन डिस्प्यूट। देखें, आप लोग अगर क्लासेस नहीं लेंगे और सिर्फ नोट्स कॉपी करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्यूट। ये सक्सेशन डिप्यूट नहीं है, ये सक्सेशन डिस्प्यूट है, सही है। अब ये सक्सेशन डिस्प्यूट क्या है? अब आपने सक्सेशन का मतलब आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने इस्लामिया की क्लास ली है और उसके अंदर मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और सक्सेशन एक तरीके से सेम मतलब होता है। अब सक्सेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं और मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ हो गई तो किस तरीके से प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के पास जाएगी, उस चीज को मैं सक्सेशन या इनहेरिटेंस कहता हूँ, सही है। सक्सेसर कौन होता है? मेरा बेटा जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, सही है। तो सक्सेशन डिस्प्यूट, सर ये क्या मसला था? देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन, सही है। नो लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है कि कोई रूल ही नहीं फॉलो हो रहा था कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। जैसे हम इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम ये बताता है कि फॉर द शेयर ऑफ मेल इट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ टू फीमेल्स। मतलब अगर मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अगर मेरी एक बेटा है और दो बेटियां हैं, तो दो बेटियों के पास 25 लैक्स और 25 लैक्स जाएंगे और बेटे के पास 50 लैक्स जाएंगे। ये एक लॉ है जो कि मेरे पास है सक्सेशन का, कि बेटे के पास 50% जाता है, बेटियों के पास 25-25 जाता है, मतलब हाफ जाता है। अब उस जमाने के अंदर लॉ था, इस्लाम था, इस्लाम को वो लोग लेकिन फॉलो नहीं करते थे। सो देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन, प्रॉपर तरीके का कोई लॉ नहीं फॉलो हो रहा था, जिसकी वजह से जब भी कोई रूलर मरता था, वेन एवर एनी रूलर डाइज, तो फाइटिंग होती थी। क्या होती थी? फाइटिंग। सर फाइटिंग किसके दरमियान हो रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूलर हूं, मेरे दो बच्चे। अब दो बच्चे क्या है कि मैं मर गया, अब वो दो बच्चे लड़ेंगे, वो दो बच्चे फाइटिंग करेंगे, दो बच्चे फाइटिंग करके जो जीतेगा वो रूलर बन जाएगा, जो नहीं जीतेगा वो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब वो मर जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो रूलर जब भी मर रहा था तो क्या हो रही थी? फाइटिंग हो रही। सिर्फ एक मुगल एम्पीरियर था, ओनली अकबर केम टू थ्रोन विदाउट फाइटिंग, बाकी कोई ऐसा रूलर नहीं था जो विदाउट फाइटिंग आया। जितने भी रूलर्स थे वो सब कैसे आए? फाइटिंग के थ्रू आए। अब सर फाइटिंग से क्या है, कोई मसला थोड़ी है फाइटिंग बल्ले करें। बेटा फाइटिंग से बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। क्या मसला हो रहा था? कि देखिए आपके पास जो फाइटिंग कर रहे हैं, अगर मैं आपस में लड़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर के अंदर किसी से लड़ रहा हूँ, सही है,
मैंने अपने घर के अंदर अगर किसी से लड़ रहा हूं तो मैं घर की चीज तोड़ूंगा, मैं घर की चीज उसको मारूंगा, मैं घर की चीज से ही उसकी पिटाई करूंगा, तो लॉस किसका हो रहा है? एंड ऑफ द डे लॉस मेरा हो रहा है, मेरे घर की तबाही हो रही है। तो इसी तरीके से अगर दो रूलर लड़ रहे हैं, दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो किसकी चीजें बर्बाद कर रहे हैं? मुगल एम्पायर की चीजें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? वो आपस में लड़ रहे हैं तो गन्स यूज हो रही है, जब गन्स यूज हो रही है तो वो मुगल एम्पायर की है। आपस में लड़ रहे हैं तो आर्मी यूज हो रही है, वो किसकी है? मुगल एम्पायर की। जब आपस में लड़ रहे हैं तो लोग मर रहे हैं, किसके मर रहे हैं? आर्मी के मर रहे हैं। जब आपस में लड़ रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है, किसका खर्च हो रहा है? मुगल एम्पायर का। तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और हमारी फाइटिंग की वजह से दूसरों लोगों ने फायदा उठाया और हमारे ऊपर अटैक करा। तो आप क्या बताएंगे सक्सेशन डिस्प्यूट के अंदर कि देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन, कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करनी है? रूलर जब भी मरते थे तो फाइटिंग होती थी और जो जीतता था वो थ्रोन पर आ जाता था। ओनली अकबर केम टू थ्रोन विदाउट फाइटिंग। अब फाइटिंग की वजह से क्या होता था, क्यों करते थे? कि हु विल बी द न्यू रूलर, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट सारे थे, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ आर्मी एंड लॉस ऑफ वेपन्स, और हम लोग वीक हो गए, जिसकी वजह से हमें अदर नेशंस ने क्या करा, इन्वेड करा। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को ये रीजन समझ आया डाउनफॉल का या नहीं आया? नहीं आया तो मैं बैठा हूं ना, क्यों नहीं समझाऊंगा? जल्दी जल्दी बताएं, समझ आया नहीं आया? जैनब बेटा, मुस्कुरा बेटा, जल्दी जल्दी, ओके बेटा। अच्छा, अब हमारे पास है लेविश लाइफ स्टाइल। लेविश लाइफ स्टाइल के अंदर आपने ये बताना है, और इसको प्लेजर सीकिंग भी कहते हैं या ग्रीडी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, लालची। अब आप ये बताएंगे कि मुगल्स वर प्लेजर सीकिंग, दे वर बिजी ऑफ लेविश लाइफ स्टाइल, उनको अच्छा, मतलब आसान अल्फाजों में, आप लोग जैसे बच्चे थे, बिगड़े हुए बच्चे थे, सुकून से ऑनलाइन पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, सुकून से क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस माँ बाप का पैसा जाया कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आसान अल्फाजों में सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जो मुगल एम्पीरियर के जो सक्सेसर्स थे, औरंगजेब के बाद जितने भी उसके सक्सेसर्स थे, दे ऑल वर प्लेजर सीकिंग, उनको नवाबों वाली जिंदगी चाहिए थी, दे वर बिजी इन देयर लेविश लाइफ स्टाइल। वो किसमें बिजी थे? ड्रिंकिंग के अंदर। ड्रिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि पानी पी रहे थे, ड्रिंकिंग का मतलब ये है कि वो शराब पीते थे, वाइन पीते थे। दूसरा, दे वर बिजी इन गैम्बलिंग। सर गैम्बलिंग क्या होती है बेटा? गैम्बलिंग का मतलब जुआ, जुआ खेल रहे थे। तीसरा, दे वर बिजी इन एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इस्लामियात के अंदर, इट इज अ रॉन्ग फिजिकल रिलेशनशिप विद ओपोजिट जेंडर। सही है? तो हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो हमारे जो सक्सेसर्स थे मुगल एम्पायर के, जो सक्सेसर्स थे, जो औरंगजेब के बाद जो उसके बच्चे थे और उसके बाद जो उसके बच्चे थे, तो वो सारे बिगड़े हुए। दे वर बिजी इन लेविश लाइफ स्टाइल, दे वर प्लेजर सीकिंग, और वो किसमें बिजी थे? ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एडल्ट्री के अंदर। अब जब इन सारी उसके अंदर बिजी थे तो वो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर रहे थे, वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। देखो, रूलर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर अभी हम मोस्टली अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो हर कोई इमरान खान का दीवाना है, इमरान खान को हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ, हम हमारे इसमें यह बिलीफ है कि नवाज शरीफ जो है वो लेविश लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, और बाकी सारे क्या है कि नवाज शरीफ लेविश लाइफ स्टाइल गुजार रहा है और बाकी वो सब क्या कर रहा है, चोरियां और ये सारी चीजें करी और हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट भी नहीं करते। तो जैसे ही आपके जो मुगल एम्पीरियर थे ना, वो भी क्या कर रहे थे, दे वर बिजी इन लेविश लाइफ स्टाइल और सारी चीजें, तो वो सपोर्ट नहीं था। जब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोगों उनको सपोर्ट करना भूल गए, लोगों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग लेविश लाइफ स्टाइल के अंदर अपना सारा वो गुजार रहे हो और हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो गुस्सा था। दूसरी चीज, और उनका जो टैक्स था वो किसमें यूज हो रहा है, लेविश लाइफ स्टाइल के अंदर। दूसरी चीज आप ये भी बता सकते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कि औरंगजेब ने एक पर्ल मॉस्क बनाई थी, पर्ल मॉस्क दिल्ली के अंदर बनाई, कि हाँ मैं वहां पर क्या करूंगा, वो रूबी सफायर बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स, महंगे स्टोन से बनाए। अब लोग ये समझ रहे थे कि इसने हमारे लिए मस्जिद बनाई है, लेकिन इसने छोटा सा प्रैंक कर दिया। प्रैंक ये करा कि इसने ये बोला कि ये मस्जिद के अंदर नमाज सिर्फ मुगल एम्पीरियर्स पढ़ सकते हैं और कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये हमें गुस्सा दिलाने वाली बातें कि ये हमारे पैसों से क्या कर रहे थे, आसाइशे कर रहे थे, हमारे पैसों से क्या कर रहे थे, लेविश लाइफ स्टाइल गुजार रहे थे, और जब लेविश लाइफ स्टाइल के अंदर बिजी थे तो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को ये रीजन समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो वापसी समझाऊंगा।
इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद है पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। बेटा इसके अंदर एक और एरर है, की नोट्स के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ औरंगजेब नहीं है, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब है, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। पहला जो है वो मनसबरी सिस्टम नहीं है, मनसबदारी सिस्टम है। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मनसबदारी सिस्टम सही है। अब सर ये मनसबदारी सिस्टम जो है वो क्या था, आपने इसको समझना, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक पूरा कराची है और कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज है, डीएचए, पीसीएचएस, गुलशन, नॉर्थ नाजमाबाद, जौहर, कोरंगी, औरंगी और साइड एरिया, बहुत सारे एरियाज है। हर जगह के एक एमएनए होता है, एक एमपीए होता है, सही है। अब सर ये एमएनए और एमपीए क्या होते हैं, तो बेटा एमएनए एमपीए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आसान अल्फाजों में हर एरिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब पूरे एरिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मेयर है, और उसके अंडर जो है वो अलग अलग लोग आ रहे हैं। अब मनसबदारी सिस्टम सर क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम आपके पास ये होता है कि आपके पास इसने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ये बनाई कि इसने पूरा एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था, आपको ये बात पता है। अब जब बहुत बड़ा एम्पायर था तो इसने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इंटू डिस्ट्रिक्ट, मतलब समझे ये पूरा एरिया जो ब्लू से बना रहा हूं मैं, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया आपके पास एक मुगल एम्पायर, मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सर कैसे डिवाइड कर दिया, मैंने जो है वो एक लाइन बना दी है ऑरेंज से, देन एक लाइन यहाँ पे ऑरेंज से बना दी यहाँ, मतलब इसको छोटे छोटे एरियाज के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसने भी यही करा, इसने क्या करा कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी तो एम्पायर को डिवाइड कर दिया इंटू डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिया, एंड फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एक केयर टेकर रख दिया, एक बंदा रख दिया जिसका नाम था मनसबदार। और उस मनसबदार की ड्यूटी ये थी कि आप टैक्सेस लोगे लोगों से और सर्विसेस प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे, टैक्सेस लोगे और सर्विसेस प्रोवाइड करोगे। एक बड़ा सा एरिया है उसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हर छोटे एरिया का एक मनसबदार रख दिया, एक केयर टेकर रख दिया जो उधर का ख्याल रखेगा, उस एरिया का जो ख्याल रखेगा वो क्या करेगा, उधर से टैक्सेस लेगा और टैक्सेस लेने के साथ साथ वो क्या करेगा, सर्विसेज देगा। लेकिन मनसबदार्स वर करप्ट, मनसबदार्स करप्ट थे, वो क्या करते थे, वो टैक्सेस तो ले लेते थे लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। लोगों को गुस्सा इसलिए आना शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने यह कहा कि हम एक तो पैसे दे रहे हैं ऊपर से सर्विसेज नहीं मिल रहे, तो उन्होंने सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाला, मुगल एम्पायर के ऊपर निकाला, उन्होंने मुगल एम्पीरियर्स को अपोज करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ जाना शुरू हो गया, सही है। मनसबदार्स का काम क्या था, टैक्सेस लेना और सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन मनसबदार्स करप्ट थे, वो सिर्फ क्या ले रहे थे, टैक्सेस ले रहे थे लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग खिलाफ हो गए, किसके खिलाफ है, मनसबदार्स के खिलाफ नहीं हुए, मुगल एम्पायर के खिलाफ हो गए, सही है। तो आपने ये बात समझनी है कि ये पॉलिसीज की फेल हो गई। दूसरी बात आपकी, दूसरी पॉलिसी है जिजिया टैक्स। नाउ व्हाट वाज जिजिया टैक्स, बेसिकली जिजिया टैक्स वाज अ टैक्स व्हिच वाज डिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे करते थे, क्या पे करते थे, नॉन मुस्लिम्स टैक्स। अब जब सर ये टैक्स पे करते हैं तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि बेसिकली मुसलमान इस बात से ये टैक्स लेते थे कि हम आपको रिलीजियस फ्रीडम देंगे, हम आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे, आप यहाँ पर सुकून से रह सकते हो, बस आपने थोड़ा सा टैक्स पे करना, सही है। तो जिजिया टैक्स उनसे लिया जाता था। नॉन मुस्लिम्स क्या करते थे कि उनको टैक्स पे करते थे मुगल एम्पीरियर्स, और जब वो टैक्स करते थे पे तो वही एक्सपेक्ट करते थे कि हमें क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन होता यह था कि नॉन मुस्लिम्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, नॉन मुस्लिम्स के जो रिलीजन है उसको जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जाती थी, उनके टेम्पल्स जला दिए जाते थे, उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, तो जिसकी वजह से जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो सारे खिलाफ हो गए कि हम आपको एक तो टैक्स पे कर रहे हैं कि फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन आप टैक्स लेकर भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, हमारे टेम्पल्स को बर्न कर रहे हो, हमारे टेम्पल्स को कन्वर्ट कर रहे हो, हमारे रिलीजन को क्या कर रहे हो, डैमेज पहुंचा रहे हो। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनकी जो नॉन मुस्लिम जो इनको सपोर्ट करते थे वो अब इनको अपोज करना शुरू हुए। तो ये दूसरा रीजन है फॉर द फेलियर या फिर फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुझे ये बात बताएं कि आपको ये दो पॉलिसी समझ आई, मनसबदारी सिस्टम एंड जिजिया टैक्स। नहीं समझ आई तो बेटा मैं वापसी समझा दूंगा। हसन बेटा आपको समझ आया?
ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसीज। रिलीजियस पॉलिसीज के अंदर आप ये बताएंगे कि इन्होंने इन्फोर्स कर दिए इस्लामिक लॉस। जी बेटा, एक ही पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे, मैं भी आपको पैराग्राफिंग सारी सिखाऊंगा। इसके बाद आपके पास है रिलीजियस पॉलिसीज। रिलीजियस पॉलिसीज के अंदर आप ये बताएंगे कि हमारे पास इन्होंने इस्लामिक लॉ इन्फोर्स कर दिया। सर, इस्लामिक लॉ इन्फोर्स कर दिए, लेकिन आप ऊपर ये बता रहे थे ये खुद शराब पीते थे, ये खुद एडल्ट्री में बिजी थे, ये खुद गैम्बलिंग में बिजी थे, तो बेटा ये क्या कर रहे थे? ऊपर मुसलमान बन रहे थे, लेकिन पीठ पीछे जो थे वो क्या थे? बहुत ही गंदे लोग थे। जैसे मैं आपके साथ में फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे बयान दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन असली में बहुत बिगड़ा हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये मुनाफिक है, ये हिपोक्रेट है। तो आसान अल्फाजों में ये कौन थे? ये हिपोक्रेट थे। ये मुंह पर क्या बनते थे? बहुत अच्छे मुसलमान के, मतलब इनसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। तो ये क्या कर रहे थे? इस्लामिक लॉस क्या कर रहे थे? इन्फोर्स कर रहे थे, सही है। असली में ये खुद फॉलो नहीं करते थे। इन्होंने क्या करा, जब इस्लामिक लॉस इन्फोर्स करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को तंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि जितने भी टेम्पल्स, जितने भी चर्चेस थे उनको जला दिया, जला दिया, या फिर क्या कर दिया गया कि उनको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? मस्जिद के अंदर। दूसरा क्या कर रहे थे? देवर फोर्सफुली कन्वर्टिंग नॉन मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स। वो क्या कर रहे थे? नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों के अंदर क्या कर रहे थे? कन्वर्ट कर रहे थे फोर्सफुली। आपको इस्लाम कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप फोर्सफुली किसी को इस्लाम कबूल कराओ, लेकिन ये वही हरकतें कर रहे थे कि फोर्सफुली कन्वर्ट, जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स हमारे से नाराज हो गए, मुगल एम्पायर को वो अपोज करना शुरू हो गए। और आप एक और बात ये भी बता सकते हैं कि एक चीज होती है भंग। भंग क्या होती है? वाइन। वो इन्होंने क्या कर दी थी? बैन कर दी थी। हालांकि खुद ये लोग पी रहे होते थे घर के अंदर, लेकिन क्या है कि आपके पास ये जो भंग है ये इन्होंने बैन कर दी, तो नॉन मुस्लिम्स को गुस्सा आया कि हमारे लिए तो खुली रखो, एटलीस्ट हम तो पिए भंग। तो आपके पास क्या है कि ये भी एक हमारे पास वो चीज है जो रिलीजियस पॉलिसीज के अंदर है, किसकी? ये पॉलिसीज की वजह से नॉन मुस्लिम्स को गुस्सा आया। अच्छा, बच्चों का एक सवाल ये आता है कि सर आपको कैसे पता चला, अगर ये बंदा के इन्फोर्स कर रहा है इस्लामिक लॉस, तो आपको कैसे पता कि वो घर में शराब पीता था? आपको कैसे पता चला कि वो गैम्बलिंग करता था? आपको कैसे पता चला कि वो एडल्ट्री के अंदर भी था? तो बेटा ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, ये हमें कहानियां बताते हैं। इन हिस्टोरियंस के थ्रू हमें पता चलता है कि ये चीज है। ऑब्वियस सी बात है कि हिस्टोरियंस ने कहीं से सुनी होगी ये बात कि उनके जो नौकर होंगे, उनके जो घर के सर्वेंट्स होंगे, वो बताते होंगे कि मुगल एम्पायर इस तरीके, मुगल एम्पीरियर्स इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते थे। और आपको मुगल एम्पीरियर्स के बारे में, वैसे आप लोग जो है, अगर ये ताजमहल और ये सारी जो चीजें बनी हुई है, तो अगर आप इसको देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी लैविश लाइफ स्टाइल गुजारते थे, सही है। तो मतलब ये भी है कि एक तो अपनी बेगम के लिए उन्होंने एक ऐसा कमरा बनाया था कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए थे, ताकि जहां पर भी वो देखे उनको अपनी बेगम नजर आए, कि मतलब वो इस तरीके के क्या थे? लेविश लाइफ स्टाइल गुजारने वाले थे। मतलब इतना पैसा खर्च किया कि सिर्फ कांच लगाने के अंदर, कि मतलब वो सेंटर थी, बेगम को बिठाते थे और हर जगह से वो देखते थे। तो इस तरीके से हमारे पास वो बहुत ज्यादा लेविश लाइफ स्टाइल गुजारते थे, गलत प्रैक्टिसेस के अंदर भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मुंह पर क्या बन रहे थे कि हम बहुत ज्यादा नेक है। और उन्होंने कुछ इस्लामिक लॉज लाए जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स को गुस्सा आया और नॉन मुस्लिम्स उनको अपोज करा। तो ये हमारी थी रिलीजियस पॉलिसीज। अब एक और पॉइंट है, वो है लोकल इन्वेजन। सर, लोकल इन्वेजन के अंदर हम क्या बताएंगे? देखिए, लोकल इन्वेजन का मतलब है कि हमारे जो थ्रेट है वो किससे? लोकल लोगों से। जैसे कि अगर मुगल्स हैं तो उनको थ्रेट हो गई हिंदू से, उनको थ्रेट हो गई सिख से, उनको थ्रेट हो गई मराठा से, तो ये कहलाएंगे लोकल इन्वेजन, कि मतलब आपके ही लोग आपको थ्रेट कर। हमें दो मेन थ्रेट थी, एक थी मराठा से और एक थी सिख से। पेपर में हम सिर्फ मराठास लिखते हैं, लेकिन हमें सिख के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो मराठास हमारे लिए किस तरीके से थ्रेट थे? तो आप ये बताएंगे, मराठास वर बेसिकली नोन एज गोरिला फाइटर्स। दे वर नोन एज गोरिला फाइटर्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे अंडर द लीडर शिवाजी। किसके अंडर लड़ते थे? उनका एक लीडर था शिवाजी राव, उसके अंडर लड़ते थे, बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे। और इन्होंने हमारे काफी एरियाज क्या कर लिए थे? कैप्चर कर लिए थे। क्या कर लिए थे? काफी एरियाज हमारे कैप्चर कर लिए थे। तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, मतलब मुगल एम्पायर है फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है मुगल एम्पायर, अब इसके थोड़े थोड़े एरियाज को हम कैप्चर कर रहे हैं, थोड़े थोड़े एरियाज कैप्चर करना शुरू है मराठास। तो बेसिकली दे वर द थ्रेट टू मुस्लिम्स। वो हमारे एरियाज को कैप्चर कर रहे थे क्योंकि हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मराठास जो है वो बहुत अच्छा लड़ते थे, वो हमें हर थोड़े थोड़े एरियाज के अंदर डिफीट कर रहे थे अंडर शिवाजी, और उन्होंने हमें डिफीट करते रहे। 1737 के अंदर
1737 के अंदर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और जिसकी वजह से उनका कंट्रोल और बढ़ गया। सर क्यों बढ़ गया? क्योंकि दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट का कैपिटल कौन था? दिल्ली। तो जब तो उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहे थे और मुगल रूल डिक्लाइन पे आ रहा था। तो दे वर द रियल थ्रेट टू मुस्लिम्स। ये हमारी पहली लोकल इन्वेजन है जो हम पेपर के अंदर मेंशन करते हैं, जो हम पेपर के अंदर लिखते हैं। सर दूसरी भी बता दें तो बेटा, दूसरी है सिक्स। आप ये बताएंगे, सिख का एक रूलर था पंजाब के अंदर जिसका नाम था रंजीत सिंह। क्या नाम था? रंजीत सिंह। उसने हमारे ऊपर क्या करा? बहुत ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने हमारी बियर्ड पे टैक्स लगा दिया। बच्चों का सवाल ये आता है कि सर सिख्स की भी तो बियर्ड होती है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मुसलमान की बियर्ड है या सिख की बियर्ड है? तो बेटा, जो सिख होता है वो पगड़ी पहनता है, मुसलमान जो है वो फॉरन हर वक्त पगड़ी नहीं पहन के बैठे हुए होते। तो वो मुसलमानों की बियर्ड पे क्या लगा रहे थे? टैक्स लगा रहा था। दूसरा क्या कर रहा था कि अजान बैन कर दी थी। तो जिसकी वजह से लोगों ने ये बोला कि हमारे लीडर कौन है? मुगल एम्पायर के लीडर है मुसलमान, और वो हमारे ही रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये बहुत ही वीक रूलर्स हैं और हम इनको अपोज करें। सही है। तो आप दूसरी बात की है, सिक्स वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एज एन इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि अगर अल्लाह ना करे कभी पेपर में आ जाए तो आप ये नहीं कहें कि हमने कैसे घटिया टीचर से पढ़ा था, उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं। तो आपको पेपर में सब आता हो। सही है। तो सिक्स वाली बात आज तक ना पूछी गई है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सिक्स भी हमारे लिए रियल थ्रेट थे। क्यों? क्योंकि उनका एक लीडर था रणजीत सिंह। कहां पर था? पंजाब के अंदर। उसने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया बियर्ड पर। अजान पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया बियर्ड पर, अजान को कर दिया बैन, तो इस वजह से लोगों ने अपोज करा कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं कि हम अपने ही रिलीजन को, हमारे लीडर्स हमारी रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई क्या हुआ कि उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया मुगल एम्पीरियर्स को। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को लोकल इन्वेजन तक सारी बातें समझ आ गई या फिर कोई कंफ्यूजन है? जल्दी जल्दी बताएं। सैनब बेटा, आपको समझ आ गया? सैनब बेटा, आपको समझ आ गया तो भाई लिख कर भेजें, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जरूर करो। मैं आगे कंटिन्यू। डू वी हैव टू राइट वन पैराग्राफ फॉर द 14 मार्क क्वेश्चन और डिफरेंट पैराग्राफ फॉर ईच पॉइंट? बेटा अभी मैं क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ लेक्चर कर रहे हैं। लेक्चर के बाद हम पास्ट पेपर्स पर जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ना आप जब से ये पूछ रहे हैं पैराग्राफिंग कैसे होगी, ना आप जब से पूछ रहे हैं 14 मार्क्स कैसे होगा, मैं खुद समझाऊंगा। आपने इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। सही है। आपने टेंशन लेंगे तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, सुकून से पढ़ते हैं। अब है हमारे पास फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन के अंदर आप ये बताएंगे कि हमारे पास जो अफगानिस्तान से एक क्या हुआ, एक बंदे थे अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, दोनों नाम इनके मशहूर हैं अफगानिस्तान से। इन्होंने हमें 1761 से लेके 1767 तक 10 दफा इन्वेट करा। बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 1747 से लेके 1767 तक करा, लेकिन इन्होंने जो मेन इन्वेजन करी वो 1761 से लेके 1767 तक करी। अब आपने इसकी कहानी गौर से समझनी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक रिफॉर्मर होते हैं जिनका नाम होता है शाह वली उल्ला। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेना। शाह वली उल्ला नाम के एक बंदे होते हैं, वो बेसिकली मुगल एम्पायर को बचाना चाहते हैं और उनको लग रहा होता है कि मराठास क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम। तो मराठास को डिफीट करने के लिए किसको बुलाते हैं? अहमद शाह अब्दाली को, क्योंकि वो भी एक मुसलमान होते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली को बुलाते हैं और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जब आते हैं तो वो मराठास को डिफीट कर देते हैं इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जाकर वो हरा देते शाह वली उल्ला, लेकिन कौन? अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देते। शाह वली उल्ला भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, मराठास को हमने हरा दिया। लेकिन ये बंदा हमें धोखा दे देता। कैसे धोखा देता है? ये हमारी मदद करने आए थे, ये मराठास को हराने आए थे, लेकिन 1761 में जब ये आते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, तो ये 1761 से लेके 1767 तक हमें 10 दफा इन्वेट करते हैं। कितनी दफा इन्वेट करते हैं? 10 दफा इन्वेट करते हैं।
सही है, और आपके पास इसकी वजह से हम वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रैंक प्रैंक लिखा हुआ है ना, ये प्रैंक हमारे साथ असली में हुआ था, कि हमारे साथ यही मजाक हुआ था कि कैमरे में हाथ हिला दे, आपके साथ छोटा सा मजाक हुआ है, और हमारे पास उन्होंने 10 दफा में इनवेट करा। पहले ये किसकी कॉल पर आए, शाह वली उल्ला, SWU, शाह वली उल्ला, शाह वली उल्ला की कॉल पर आए कि मराठास को हरा दो, मराठास को हरा दिया। लेकिन इन्होंने ये देखा कि ऑलरेडी मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, तो इन्होंने क्या करा, 1767 से लेके 1767 तक 10 दफा इन्वेट करा और मुगल एम्पायर को वीक कर दिया, पैसे लेकर चले गए, सारी चीजें लेकर चले गए। दूसरी इन्वेजन थी हमारी पास पर्शिया से, 1738 का ना नादिर शाह, सही है, ये नादिर अली नहीं है, पी फॉर पकाओ वाले, ये नादिर शाह है। ये नादिर शाह कहाँ से आए, ये आपके पास 1738 में आए पर्शिया से, कहाँ से आए, पर्शिया से। इन्होंने आपके पास 1738 में इंडिया को इन्वेट करा, जब इंडिया को इन्वेट करा तो ये दो चीजें लेकर चले गए, एक कोहिनूर डायमंड और एक पीकॉक थ्रोन। कोहिनूर डायमंड भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, पीकॉक थ्रोन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, हम लोग गरीब हो गए, क्या हो गए, हम गरीब हो। तो आपने ये बताना है दो इन्वेजन है फॉरेन इन्वेजन, पहली कौन सी है, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी वाली, और दूसरी आपके पास कौन सी है, नादिर शाह वाली। नादिर शाह वाले ने 1738 में इन्वेट करा, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड ले गया। शाह वली उल्लाह ने किसको बुलाया था, अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था टू डिफीट मराठास, उसने मराठास को हरा दिया, लेकिन हमारे साथ छोटा सा प्रैंक कर दिया। पेपर में प्रैंक का वर्ड अगर किसी ने इस्तेमाल करा तो उसकी खैर नहीं, आप बिल्कुल इनफॉर्मल वर्ड्स यूज पेपर में नहीं कर सकते। बच्चों को सब ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि उनको बातें याद रहे, दिमाग में याद रहे। पेपर में अगर किसी ने ये लिखा ना मेरे टेस्ट के अंदर कि सर अहमद शाह अब्दाली ने प्रैंक कर दिया था, अहमद शाह अब्दाली ने ये कह दिया था कैमरे में हाथ हिला दो, तो आप लोगों की खैर नहीं है। सही है, अनऑफिशियल वर्ड्स यूज नहीं करने, जो आपके पास प्रॉपर फॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो आपने यूज करने, प्रॉपर जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं। कहीं जगह पर जब मैं आपको खुद बताऊंगा कि कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, तो वो आप ज्योग्राफी के अंदर जैसे कई जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको अलाउड नहीं होता। अच्छा, दूसरी इन्वेजन किसकी थी, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी जो थे वो एक ही बंदे थे, वो आए, उन्होंने हमारे साथ प्रैंक करा और हमें क्या कर दिया, इन्वेट करा 10 दफा और हम वीक हो गए। तो मुझे जल्दी जल्दी बता दे कि आप लोगों को फॉरेन इन्वेजन समझ आया या फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है। मुश्किल बेटा आपको समझ आया। अब द लास्ट रीजन, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, दिस इज द मेन रीजन। सही है, मेन रीजन क्यों बेटा, मैंने आपको 14 मार्क्स का पैटर्न बताया था, हमें एंड में कंक्लूजन देना होता है। अभी हम सीखेंगे सारी चीजें, 5 पेपर्स वापसी, जिसने पहली क्लास नहीं ली घबराना नहीं है। सही है, तो आपके पास क्या है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अराइवल ऑफ ब्रिटिश आपके पास क्या है, मेन रीजन। आप ये बताएंगे कि मुगल्स वर डिक्लाइनिंग, ब्रिटिश ने अपॉर्चुनिटी देखी, ब्रिटिश ने यह सोचा, क्योंकि ब्रिटिश पहले एज अ ट्रेडर्स आए थे, ब्रिटिश ने यह देखा कि आपके पास जो है, अगर हम लोग मुगल्स को नहीं हराएंगे तो कोई और हरा के कब्जा कर लेगा, फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज है, कोई और नेशन क्या कर लेगी, इस पर कब्जा कर लेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो पहले ऐसा ट्रेडर्स आए, उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि ये लोग मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन हो रहे, सो दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन आर पॉलिटिक्स, उन्होंने इंटरफियर करना शुरू कर दिया हमारी रोड्स के अंदर, हमारी जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर, हमारी पॉलिसीज के अंदर वो करना शुरू कर दिया इंटरफियर। एंड उनके पास इतना पैसा आ चुका था कि फाइनली उन्होंने हमारे साथ वॉर करी एंड दे बिकेम द रूलर्स। तो अराइवल ऑफ ब्रिटिश मेन रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि ना ही ब्रिटिश आते ना ही मुगल एम्पायर कभी डिक्लाइन होता। तो आपके पास जो मुगल एम्पायर को जो हराने में जो सबसे मेन रीजन है वो किसका है, मुगल एम्पायर। और क्यों हराने में, क्योंकि इनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी थी, एक तो इनकी आर्मी बहुत अच्छी थी, इनके अंदर आर्मी क्यों अच्छी थी, इनके पास मॉडर्न वेपन भी थी, क्योंकि आपके पास आप ये बताएंगे कि इनके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज बन रही थी, जिसकी वजह से वो न्यू वेपनरीज बना रहे थे और आर्मी इनकी बहुत अच्छी। दूसरी इनकी आर्मी डिसिप्लिन थी, हमारी आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, कभी टाइम पर पाकिस्तानी आ सकते हैं, खुद सोच लें पाकिस्तानी इंडियंस कभी टाइम पे नहीं आते, एंड दे वर एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ये अलग अलग एरिया से लड़कर आ चुके थे, सो दे वर एक्सपीरियंस, दैट्स वाई मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। मेन रीजन क्या है आपका, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, के मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे, शुरू में वो एज ट्रेडर्स आए, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर हम कंट्रोल नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, डच, पोर्टुगीज या फ्रेंच। तो इस वजह से उन्होंने ये एक गेम खेला, पहले वो एज अ ट्रेडर्स रहे, उन्होंने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद उन्होंने रोड्स और के अंदर इंटरफियर करना शुरू कर दिया, एंड देन फाइनली दे बिकेम द रूलर्स आफ्टर डिफीटिंग इंडियंस इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये रीजन समझ आया
या नहीं आता है। हसन बेटा आपको समझ आया? अच्छा सर, ये आपने सारे रीजंस तो बता दिए, अब इसमें 7 मार्क्स का क्या सवाल आ सकता है? बेटा 7 मार्क्स का सवाल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए, आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को इसके अंदर ईच एंड एवरी पास्ट पेपर सॉल्व मिलेगा। आपने इसकी जरा टेंशन नहीं लेनी कि सर हम पास्ट पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही देखें आपके पास ये की ये नोट्स हैं, नोट्स के अंदर सबसे पहले आपको नोट्स मिलेंगे और उन्हीं नोट्स के फिर आंसर किस तरीके से बनेंगे वो भी आपको आगे मिल जाएंगे, सॉल्व सॉल्व मिलेंगे, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि इनकी लर्निंग अच्छी करें और अपनी राइटिंग स्पीड में वर्किंग करें, सही है? आप लोगों के टेस्ट इसीलिए कंडक्ट किए जाएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने पानी में हो, सही है? अगर नहीं किए जाएंगे टेस्ट तो आप लोग क्या होते रहेंगे, कोई बुरा हाल चलता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना अच्छे तरीके से और टेस्ट अच्छे देना। टेस्ट अच्छे देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फायदा होगा। तो हमारे पास सबसे पहले है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर आपके पास सवालात किस तरीके से आएंगे? देखिए, अगर आपके पास 7 मार्क्स का सवाल आ रहा है तो आपने 3 पैराग्राफ्स बनाए, सही है? जैसे एक सवाल आया, एक्सप्लेन वाई द मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब। ये सवाल आ गया, ये कितने मार्क्स का? ये 7 मार्क्स का। और मैंने आपको 7 मार्क्स का पैटर्न बताया था, 3 पैराग्राफ्स बनेंगे और आपने 3 रीजंस एक्सप्लेन। P1, P2, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब अगर आप इसको पढ़ लें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज ऑलवेज अ सक्सेशन डिस्प्यूट। सक्सेशन डिस्प्यूट वाला मसला आपने पढ़ा हुआ है। देयर वॉज ऑलवेज अ सक्सेशन डिस्प्यूट व्हेन अ रूलर डाइज बिकॉज देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन। ओनली अकबर केम टू थ्रोन विदाउट फाइटिंग। औरंगजेब डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग हिज सन्स टू बिफोर हिज डेथ to avoid any conflict, but after his death, his sons fought for power. Due to these conditions, worsened not only causing disunity, but also there was loss of lives, money, and army. Succession often depended upon the ability of the candidates to gain support. Such rulers may have been popular, but they did not necessarily have the skills to run a large empire. तो ये आपके पास succession dispute जो हमने पढ़ा था, वही answer हमने लिख दिया। दूसरा हमने reason क्या पढ़ा था? कि they were pleasure seeking and they were busy of lavish lifestyle. Mughal rulers were always pleasure seeking and they were fond of luxuries. They wasted their time and money in luxuries instead of administering the empire. Aurangzeb spent on enormous amount of money for the construction of the Pearl Mosque in Delhi. This also set a bad example to the future successors. The successors were busy in women drinking and gambling. They became neglect of their duties and women were moving away from the Islamic teachings. Mughal emperors were renowned for living an extravagant lifestyle and spending money without regard to the effect on the economy of the empire. सही है, मतलब economy बाहर में जाए, हम lavish lifestyle के साथ। Third reason क्या है? वही आपके पास vast empire वाला। During the rule of Aurangzeb, they kept on capturing lands under the expansion policy. Mughal empire expanded from Afghanistan to Assam and from Kashmir to Mysore. They could not manage these areas because areas were very large. A single ruler could not handle the responsibility because it was an issue to travel to different parts of the empire. After Aurangzeb's death, his sons were not capable to administer the empire. Since the citizens of empire had too many problems, it was difficult for a single ruler to handle such situation. A single ruler could not handle the responsibility because it was an issue to travel to different parts of the empire. Several invasions weakened it further, so eventually the British were able to take control. ये आपके पास क्या है? ये 3 पैराग्राफ्स आपने बता दिए। सर ये सवाल क्या था? एक्सप्लेन वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब। ये आपके पास सवाल था। सर और सवाल कहाँ पर है? बेटा और सवाल भी है। सही है, हर पास्ट पेपर को पढ़ना जरूरी है। सही है, हर पास्ट पेपर को जब आप पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपके पेपर आएंगे। हाउ डिड द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब कॉन्ट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर? सवाल चेंज है लेकिन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब। रेन का मतलब होता है रूल, रूल ऑफ औरंगजेब। तो इसका भी आंसर क्या है? सेम। फिर आपके पास एक और सवाल है, एक्सप्लेन वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब। सवाल चेंज है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपके पास सवाल है, एक्सप्लेन वाई द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब फेल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सेम एज क्वेश्चन नंबर।
फिर सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब। अब ये देखो ये सवाल एग्जैक्ट ऊपर भी रिपीट हुआ, तो आप जितने पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, जितने पास पेपर्स से सीखेंगे कि कितनी वर्डिंग डिफरेंट हो जाए, आंसर सेम ही रहे, तो आपके पेपर में आसानी होगी। आप मुझे दुआएं देंगे बाद में, आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि हमने किस घटिया टीचर से पढ़ लिया कि जिसने कुछ बताया ही। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर टू, फिर आपके पास है, बस इतने सवाल आते हैं। तो ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने सारे पढ़ लिए कि किस तरीके से। अब हम आ जाते हैं 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सर 14 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो हम वो जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा अब सवाल है, वर द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, एक्सप्लेन योर आंसर। सही है, सवाल क्या, वर द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, एक्सप्लेन योर आंसर। जो 14 मार्क्स में मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि मुगल एम्पायर वॉज रूल्ड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय मुस्लिम्स, द मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड इन 1526 विद द असेंशन ऑफ बाबर, औरंगजेब वॉज द वन हु स्ट्रेंथन्ड द मुगल एम्पायर एंड ही वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन। It took 150 years after the death of Aurangzeb in 1707 for decline of Mughal Empire. ये आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बता दिया। 14 मार्क्स का पैटर्न ये होता है, कान खोल कर सुन लें, एक दफा बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊ। 14 मार्क्स का पैटर्न ये होता है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपकी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है, आप डायरेक्ट वो अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या है कि सबसे पहले वो रीजन लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कौन सा रीजन लिखा हुआ है, वर द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन, तो आप सबसे पहले पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब बताएंगे। तो पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब आपने बताई, इसके अंदर आपने 3 पॉलिसीज बताई, जिजिया, मनसबदारी सिस्टम एंड रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब री इम्पोज जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ही इम्पोज जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स फॉर देम टू पे मनी इफ दे वांटेड देयर राइट्स एंड प्रोटेक्शन, हाउएवर इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू नॉन मुस्लिम्स ही बैंड देयर कल्चर एंड बर्न मेनी टेंपल्स, नॉन मुस्लिम्स वर कन्वर्टेड टू मुस्लिम बाय फोर्स एंड दे वर ऑल्सो रिमूव्ड बाय द टॉप पोस्ट। औरंगजेब डिवाइडेड द एम्पायर इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, मनसबदारी सिस्टम शुरू हो गया। औरंगजेब डिवाइडेड द एम्पायर इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंटेड सेपरेट मनसबदार इन ईच डिस्ट्रिक्ट, मनसबदार रिस्पांसिबिलिटी वाज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेट, अनफॉर्चुनेटली दीस मनसबदार्स वर करप्ट एंड यूज्ड द टैक्सेस फॉर अनफेयर मींस, एज सून एज असेंडेड द थ्रोन। अच्छा ये आपने क्या बता दिया, फॉर द अनफेयर स्कीम, मनसबदारी सिस्टम। As soon as he ascended the throne, he started the introduction of reforms which made his dominion a truly Islamic state and which pleased the orthodox Muslim. मतलब जो पक्के मुसलमान थे उनको तो खुश कर दिया, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स उनको गुस्सा दिला दिया। He appointed censors of public morals in all important cities to enforce Islamic laws and to put down on Islamic practices such as drinking, gambling and prostitution. जो हरकतें ये खुद कर रहा था उन्हीं हरकतों को रोकने की कोशिश कर रहा था। सही है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 3 पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। आपने सबसे पहले ये क्यों बताई, क्योंकि ये क्वेश्चन होगी। सही है, पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, पैटर्न सीख ले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर वो रीजन लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा रीजन लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर आपने अदर 5 to 6 रीजन बताए, और एंड में आपने क्या दे दिया, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करेंगे, या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री। एग्री कब करेंगे, जब मेन रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था मेन रीजन अराइवल ऑफ ब्रिटिश है, क्या है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, लेकिन इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, तो मैं लिखूंगा आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सही है, अब आपने क्या करना है कि आपने इसके 5 रीजन और लिखने हैं। 5 रीजन में आपने सक्सेशन डिस्प्यूट वाला रीजन लिख दिया, फिर आपने लेविश लाइफ स्टाइल वाला रीजन लिख दिया जो आपने ये, फिर आपने ये वाला बता दिया कि मराठन फोर्सेस वर हैड बिकम क्वाइट पावरफुल लोकल इन्वेजन्स, के कांस्टेंट दे वर कांस्टेंटली कॉजिंग डिफिकल्टी टू द मुगल्स, द मराठास वर स्किलफुल हिंदू गोरिला फाइटर्स हु डिफीटेड अ मुगल आर्मी इन 1737 एंड टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड ईस्टवर्ड्स टुवर्ड्स बंगाल, बाय 1760 दे वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया एंड नथिंग कुड द मुगल्स टू स्टॉप इट, बाय 1760s मराठास हैड आल्सो स्प्रेड एंड टर्न आउट टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एम्पायर until their advancement towards Delhi. तो ये आपके पास क्या, मराठा फोर्सेस। फिर आपने फॉरन इन्वेजन बता दी कि 1738 में नादिर शाह आया, उसने कोई नूर डायमंड पीक ऑफ थ्रोन यहाँ से ले गया, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो काफी बर्बाद हो गए। 1761 के अंदर कौन आया, अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली आया, उसने रोका। सही है, फिर आपने क्या मेन रीजन बता दिया, कौन सा, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। गैस मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग, ब्रिटिश टुक एडवांटेज एंड एंटर्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश लाइक द मुगल ट्रेजरी सो ब्रिटिश प्लेड अ गेम, first they entered as a trading company, British then introduced policies and entered into the politics,
The British were developed and prepared due to industrial revolution. British expansion into the subcontinent was rapid. They were experienced in warfare and had many weapons and other resources. So they were difficult to defeat. British won war of independence, which made the end of Mughal. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आई डू नॉट एग्री. सर क्यों आई डू नॉट एग्री? क्योंकि मेन रीजन क्या है आपके पास? अराइवल ऑफ ब्रिटिश. आप लिखोगे आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑल दो पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बट इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हिच कंट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर वाज अराइवल ऑफ ब्रिटिश. तो मुझे ये बात बताएं कि आपको 14 मार्क्स का सवाल समझ आया कि किस तरीके से अटेम्प्ट हुआ. सबसे पहले इंट्रो लिखा, उसके बाद वो क्वेश्चन रीजन लिखा जो क्वेश्चन में है, देन अदर फाइव रीजंस. पहला पहला रीजन, दूसरा, फिर आपके पास तीसरा रीजन, चौथा रीजन, पांचवा रीजन, और एंड में कंक्लूजन दिया कि मैं एग्री नहीं करता क्योंकि मेन रीजन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आपको 7 मार्क्स और 14 मार्क्स के सवाल समझ आए या नहीं आए. जैनब बेटा आपको समझ आए? जैनब बेटा अगर समझ, जी बेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए कॉपी पेस्ट पे नहीं चाहिएगा क्योंकि अगर आप रटरफिकेशन करेंगे आपके लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी. आपको मैंने पैटर्न समझा दिया है, आप अपने याद करें ओन वर्ड्स करके आप लिखते हैं. आपको अगर 13 out of 14 ना मिले तो मैं आपका उसका जिम्मेदार हूँ. मेरे पास जो है वो हर स्टूडेंट की, देखिये मैं भी आपको बता देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है बहुत अच्छा स्टूडेंट था, A-स्टार स्टूडेंट था, उसका भी ग्रेड आया बेचारे के 2 B's आए. मैं उसका पेपर खुद रीचेक करा रहा हूँ और उसका पेपर 40,000 का खर्चा है, 19,000 की मैं स्क्रिप्ट निकलवाता हूँ. स्क्रिप्ट इसलिए निकलवाता हूँ ताकि मैं बच्चों को प्रूफ दिखा सकूँ कि मेरे आंसर लिखकर आओगे तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे. सही है? तो आपका अगर पेपर अगर गंदा हो, अगर ये आंसर लिखकर आ रहे हो तो मैं सिखा, लेकिन आपने ओन वर्ड्स यूज करने, कोशिश करें कि समझें चीजों को कि ये चीज है क्या. आप अगर इसको बिल्कुल रट्टा मारेंगे तो क्या होगा, मसला होगा. लेकिन आप कॉपी पेस्ट का अगर ये मतलब है कि हम पैराग्राफिंग इसी तरीके से करें या वो, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से करें, आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे. उसके बाद आपके पास दूसरा सर 14 मार्क्स है, एक और एग्जाम्पल करा दें. वॉज ब्रिटिश एक्सपेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने पहला रीजन सबसे पहले ब्रिटिश एक्सपेंशन करा, अराइवल ऑफ ब्रिटिश. क्यों? क्योंकि वो रीजन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था. हमेशा वो रीजन सबसे पहले एक्सप्लेन करें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले वो एक्सप्लेन करें. फिर मैंने अदर 5 रीजंस एक्सप्लेन करे, पहला औरंगजेब पॉलिसीज, सक्सेशन डिस्प्यूट, लेविश लाइफस्टाइल, लोकल इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन, एंड एंड में कंक्लूजन दूंगा आई एग्री विद द स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि मेन रीजन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश वॉज अ मेन रीजन. I agree with the statement, although there were many reasons which contribute to the downfall of Mughal Empire, but in my opinion, the most important which contribute to the downfall of Mughal Empire was arrival of British. ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरीके से पैराग्राफिक है, बल्कि अभी और सवाल देख लें फिर बताइएगा. Were in fighting between Aurangzeb's successor. Were in fighting between Aurangzeb's successor. इसका मतलब ये हुआ कि ये succession dispute की बात हो रही है. सबसे पहले आपने introduction लिखा, फिर आपने succession dispute लिखा. सक्सेशन डिस्प्यूट के बाद अदर 5 रीजंस कोई भी लिख दिया, आगे पीछे हो सकती है पैराग्राफिंग, लेकिन हमेशा वो रीजन पहले लिखिएगा जो क्वेश्चन, वो रीजन लिखा उसके बाद जो अदर 5 रीजंस लिख रहे हैं उसमें पैराग्राफिंग आगे पीछे हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है. अदर 5 रीजंस पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपके पास चौथा, और ये पांचवा. एंड में कंक्लूजन क्या दिया कि भाई ये मेन रीजन नहीं है. आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑल्दो इन फाइटिंग अमंग द सक्सेसर वाज वन ऑफ द मेन रीजन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है. फिर सवाल आया वर द इन्वेजन्स बाय द पर्शियंस एंड अफगान्स. इसका मतलब ये फॉरेन इन्वेजन की बात हो रही है. तो सबसे पहले मैं कौन सी एक्सप्लेन करूंगा, इंट्रो, इंट्रो के बाद फॉरेन इन्वेजन. तो फॉरेन इन्वेजन लिख दी. फॉरेन इन्वेजन के बाद 5 रीजंस और, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4th रीजन, 5th रीजन एंड कंक्लूजन. I do not agree with the statement, although invasion by Afghans and Persian was one of the main reasons, but the most important was arrival of British. फिर आपके पास 14 मार्क्स का सवाल, the spread of Maratha power was the main reason for the decline of Mughal Empire. सबसे पहले introduction, introduction के बाद Maratha वाला, local invasions वाला, local invasions के बाद other 5 reasons, पहला reason, दूसरा reason, तीसरा reason, चौथा reason, पांचवा रीजन, एंड एंड में कंक्लूजन आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट क्योंकि अराइवल ऑफ ब्रिटिश मेन रीजन. फिर आपके पास सवाल है
द पॉलिसीज ऑफ फॉरेन स्टेट वर्तमान रीजन, तो ये देखिए पास्ट पेपर आगे रिपीट हुआ था। मैंने जो पास्ट पेपर्स बनाए वो न्यू टू ओल्ड बनाए, शुरू में न्यू पास्ट पेपर्स है देन ओल्ड। फिर आपके पास है सवाल द कमिंग ऑफ ब्रिटिश वॉज द मेन रीजन, तो ये भी आपके पास सेम है, पीछे हम कर चुके हैं डिस्कस। वॉज द वीक एंड ग्रीडी कैरेक्टरिस्टिक्स, वीक एंड ग्रीडी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है लेविश लाइफ स्टाइल की बात हो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लेविश लाइफ स्टाइल वाला की प्लेजर सीकिंग और ये सारी चीजें, फिर आपने पहला रीजन अदर रीजन में पहला, फिर अदर रीजन दूसरा, फिर आपके पास अदर रीजन तीसरा, फिर अदर रीजन चौथा, फिर अदर रीजन पांचवा, और एंड में आपने कंक्लूजन दे दिया कि आई डू नॉट एग्री, क्योंकि मेन रीजन क्या था, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। तो मुझे ये बात बताएं कि आपको 14 मार्क्स का पैटर्न समझ आया, कि कोई भी सवाल आ जाए अटेम्प्ट करना आना चाहिए, सिर्फ पैराग्राफिंग चेंज होगी, क्योंकि सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, फिर क्वेश्चन वाला रीजन लिखते हैं, फिर अदर 5 रीजन और एंड में कंक्लूजन। जल्दी जल्दी बताएं समझ आया या नहीं आया। हसन बेटा समझ आ गया, जल्दी जल्दी जवाब दें। ओके बेटा, अच्छा देखें अभी मैं आप लोगों को जो नोट्स भेजूंगा उसके अंदर आप लोगों को दो नए सवाल दिखेंगे, वो दोनों सवाल भी हम जल्दी से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये कचरा सवाल, अच्छा देखें मेरा रूल होता है क्लास का, जब मैं बोल दूं कचरा सवाल तो पेपर में मतलब वो सवाल एक ही दफा आया है, वो रिपीट सवाल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको 7 मार्क का दिखाया, 14 मार्क का दिखाया, ये रिपीटेड सवाल है, आते रहते हैं। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ कचरा सवाल, तो कचरा सवाल पेपर के अंदर रिपीट नहीं होता। क्या नहीं होता, पेपर के अंदर रिपीट, पेपर के अंदर मतलब एक दफा आया होता है, हमें प्रैक्टिस जरूर करना है लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। क्या नहीं देनी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अच्छा इसके बाद हमारे पास है, सबसे पहले एक सवाल है, वो सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये है कि व्हाई मराठास वर डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, सही है। तो क्यों जो है वो आपके पास मुगल एम्पायर जो है वो आपके पास व्हाई मराठास वर डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मराठास क्यों डिफीटेड हो, क्यों हार गए, तो उसका आंसर क्या है। ये देखें ये एक ही दफा सवाल आया, ये 7 मार्क्स। पहला रीजन, मराठास ने बहुत ज्यादा लैंड कैप्चर करना शुरू कर दिया था, जब बहुत ज्यादा लैंड कैप्चर करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से यह हुआ कि मराठास उस लैंड के कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा लैंड कैप्चर कर लिया, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, उतनी रूलिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देवर डिफीटेड। तो सवाल यह है ना कि वाई देवर डिफीटेड, तो उन्होंने आसान अल्फाजों के अंदर जो उनकी रूलिंग कैपेबिलिटी थी, जो उनकी एक लिमिट थी, जो उनकी आसान अल्फाजों में उर्दू में जो उनका औकात थी, उस औकात से बहुत ज्यादा उन्होंने क्या कर लिया था, लैंड कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो हमारे पास डिफीट हो गए। दूसरा रीजन, मराठास के जो लोकल लीडर्स थे, मराठास के जो अपने लोग थे, वो लोकल लीडर्स कौन, जो इंडियन लोकल लीडर्स थे उनसे और ब्रिटिश से लॉयल थे, वो अपने मराठा लीडर से लॉयल नहीं थे, मतलब उनके आपस में डिसयूनिटी बहुत ज्यादा थी कि वो आपस में एक दूसरे से लॉयल नहीं थे, जिसकी वजह से दे वर डिफीटेड, क्योंकि उनके पास लोगों का सपोर्ट नहीं था, उनके लोग ब्रिटिश और जो लोकल लीडर जो हिंदूज और मुसलमानों के थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। मराठास भी हिंदूज की एक टाइप है लेकिन वो मराठा लीडर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बात आपको याद रख। तीसरी बात आपको मैंने बताई थी, शाह वली अल्लाह ने बुलाया था अहमद शाह अब्दाली को, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने ऑन द कॉल ऑफ शाह वलीउल्लाह वो अफगानिस्तान से आए एंड दे डिफीटेड मराठास, एंड ही डिफीटेड मराठास, तो मराठास को उसने हरा दिया, तो दैट्स व्हाई दे वर डिफीटेड। पेपर में 7 मार्क का सवाल आएगा कि व्हाई दे वर डिफीटेड, पेपर में एक ही दफा आए, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको ईच एंड एवरी पास्ट पेपर कराऊं, क्योंकि वरना ग्रेड नहीं आता, अगर सारे पास्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे ग्रेड नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, मेहनत करें, सारे पास्ट पेपर्स मैं जो करा रहा हूँ वो डेली बेसिस पर करें और उसकी लर्निंग करें। सवाल क्या है, व्हाई वर मराठास डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये सिर्फ एक दफा आया है, तो जब एक दफा सवाल आता है मैं उसको कहता हूँ कचरा सवाल। क्या कहते हैं, कचरा सवाल, कचरा सवाल है लेकिन हमारा फर्ज है, हमें करना है वरना हमें नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, द मराठास कंट्रोल वास्ट लैंड्स दैट हैड बीन पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर बट दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट, दिस लेड टू प्रॉब्लम्स इन फाइटिंग ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम अदर आर्मीज कंफर्मिंग दैट द एम्पायर वाज नाउ टू बिग फॉर देम टू प्रोटेक्ट और डिफेंड, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरा रीजन, मराठा फैमिलीज बिगन टू शो मोर लॉयल्टी टू लोकल रूलर्स रेदर देन द मराठा लीडर्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ पुणे,
एज अ रिजल्ट क्रैक्स बिगन टू शो इन मराठा यूनिटी एंड कंट्रोल देयर ग्रिप ऑन द एम्पायर वॉज वीकेंड, मतलब आपस में यूनिटी नहीं थी। थर्ड रीजन, द इन्वेडिंग अफगान्स डिफीटेड द मराठा आर्मी एट पानीपत इन 1761, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स वर किल्ड एंडिंग मराठा कंट्रोल। तो ये आपके पास तीन रीजन है, 7 मार्क्स में तीन पैराग्राफ्स, P1, P2 एंड P3, सही है। तो ये आपके पास तीन पैराग्राफ्स हो गए। अभी जो मैं आपको न्यू नोट्स भेजूंगा, ये न्यू नोट्स नहीं है, इसमें एक और नया सवाल देखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर वन है 14 मार्क का, जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें क्वेश्चन वन होगा 7 मार्क का, सही है। तो आपके पास उसमें एक सवाल होगा कि वाई जिजिया टैक्स वॉज अपोज, वो आप लोगों को खुद करना है, खुद समझना है, वो भी कचरा सवाल है, पेपर में सिर्फ एक दफा है कि वाई जिजिया टैक्स वॉज अपोज, सही है। तो आपका डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर खत्म हो गया।